गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट द क्लास सेवेंथ है सब्जेक्ट एसएसटी एंड सेक्शन ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें इसके पहले हमने बहुत कुछ पढ़ा है, उसमें कैसे नदियों के द्वारा कटाव होता है तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, उसमें डेल्टा बनता है, डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, बी सेप्ट घाटी बन जाती है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द लैंडफॉर्म मेड बाय द ग्लेशियर के द्वारा, हिम नदी के द्वारा जिसको बर्फ़ की नदी कहा जाता है, इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, जैसे जैसे ऊंचाई, खास करके राइस रिवर ऑफ आइस कहाँ पाया जाता है, खास करके ग्लेशियर क्षेत्रों में जहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है, खास करके आपका पोलर रीजन हो गया या हाई माउंटेन रीजन हो गया, इस जगहों पर ये हिम नदी पाई जाती है और इसके द्वारा बहुत सारा कटाव होता है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, ये आए ग्लेशियर एक देख रहे हैं, इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें लाइक रिवर्स ग्लेशियर आल्सो ब्रेक एंड कैरी अवे रॉक मटेरियल, जैसे नदी के द्वारा कटाव होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, कटाव के साथ बहुत सारे चीज, उसी तरह ग्लेशियर में भी, हिम नदी में भी क्या होता है, हिम नदी बहुत सारे पत्थरों को काट करके एक अलग से संरचना बना, एक आकृति बन जाती है जिसको यू शेप वैली के नाम से जाना जाता है। यू शेप वैली होती है जिसमें चारों दोनों तरफ के दीवार, जो दोनों तरफ के क्षेत्र पहाड़ी एरिया जो खड़ी रह जाती है क्षेत्र, और बीच में चौड़ा भाग बन जाता है जिसको इंग्लिश लेटर में आप यू से देख सकते हैं, यू के आकार की आकृति बन जाती है, या पिक्चर में आप देख सकते हैं, यू शेप वैली इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज यू शेप वैली। एंड ऑल्सो सो मैनी स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द ग्रेडेशन ऑफ द ग्लेशियर व्हेन डिसेंड्स फ्रॉम द हाई टॉप एरियाज, जब पहाड़ी एरिया से ग्लेशियर नीचे खिसकना शुरू होता है तो क्या होता है, यू से वैली तो हमने देखा, उसके बाद बहुत सारे क्या होता है, अपने साथ मिट्टी हो गया, क्ले सैंड ग्रेवल्स बोल्डर ये कट करके हिम नदी अपने साथ बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती, तो क्या होता है आसपास जमा हो जाता है, उसको मोराइन के नाम जानते हैं। मोराइन में क्या होता है, इसमें जो बहुत कुछ साथ में जो अपने साथ हिम नदी लाई रहती है, ये आसपास जमा होने जाता है, कंकड़ पत्थर मिट्टी, उसको मोराइन कहा जाता है। तो ये तो हम देखे लें जो बहुत सारी चीज़ें ग्लेशियर के जो बनती हैं आकृतियाँ, उसको हम देखा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लैंडफॉर्म मेड बाय द रिवर विंड, हवा के द्वारा क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, हवा कटाव से, जब हवा कटाव होता है खास करके इन द डेजर्ट एरिया, विंड्स ब्लो वेरी, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ वेरी हाई, उसमें हवा की गति बहुत तेज रहती है, खास करके रेगिस्तानी क्षेत्र में जहाँ पर बालू ही बालू है, जहाँ पेड़ पौधे नहीं एक तरह से नहीं पाए जाते हैं, इस जगह पर जहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते वहाँ पर हवा की गति बहुत तेज होती है और कटाव बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, खास करके इन दिस रीजन्स वेन गेट रॉक गेट एरोडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, इसमें क्या होता है पहाड़ी एरिया, कुछ मान चट्टानी एरिया है जहाँ पर कंकड़ पत्थर है या पत्थर है, जो बड़े बड़े चट्टान हैं, तो क्या होता है हवा के दबाव के कारण क्या निचले क्षेत्र में कटाव शुरू हो जाता है, जो मुलायम चट्टान हो जाती है कटना ज़्यादा कट जाती है और कठोर चट्टान उसी रह जाती है, तो नीचे ज़्यादा कटाव होता है, इस तरह आप देख सकते हैं इस तरह की आकृति बन जाती है जिसको मशरूम टाइप रॉक कहा जाता है। ये कटाव होने के कारण क्या होता है, सॉफ्ट रॉक कट जाती है, ऊपर में जो कई चट्टान रह जाती है तो छतरी की तरह आप देखते हैं, छतरी जैसी आकृति बन जाती है, इसको मशरूम रॉक कहा जाता है। ये कटाव होने के कारण ये चारों तरफ से कटाव होता है, हवा जब जैसे जैसी गति दिशा बदलती है अलग अलग दिशाओं में हवा के कटाव कारण इस तरह की आकृति बन जाती है, तो ये हम देखते हैं मशरूम से रॉक बन जाता है। नाउ वी सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज मेड अप बाई द विंड, हवा के द्वारा, और जो हवा बहुत तेज चलती है खास करके रेगिस्तानी एरिया में जहाँ पर बालू ही बालू है, पेड़ पौधे नहीं है, तो वैसे एरिया में क्या होता है, बालू एक जगह से जमा होकर दूसरी जगह हवा के माध्यम से जिस हवा दिशा चलती है उधर विपरीत दिशा में बालू जमा होते जाता है, तो एक अलग तरह की आकृति बन जाती है, दैट इज नोन एज बरखान, इट इज़ लाइक ए क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स डिपोजिटेड ऑन द हिल्स ऑफ सैंड्स, इसमें क्या होता है बालू एक तरह से जमा होते जाता है हवा के साथ साथ, दूसरी उसको बरखान कहा, तो बरखान कैसा बन जाता है,
आप रात में चांद देखेंगे, आधा चांद हमें दिखाई पड़ता है, उस तरह की आकृति बन जाती है। इसको बरखान कहा जाता है, हिल खास करके बालू का टीला बन जाता है और जिस चांद हमें रात में दिखाई उसी तरह की आकृति बन जाती है, इसको बरखान के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ विंड कैरी फाइन सैंड पार्टिकल्स फार अवे फ्रॉम द डेजर्ट एरिया एंड डिपोजिटेड इन ह्यूमिड रीजन। क्या होता है, हवा खास करके बालू वाले क्षेत्रों से जहाँ पर रेगिस्तानी एरिया से क्या होता है, बहुत सारे महीन बालू जो जमा हो क्या होता है दूर चला जाता है और वो ऐसे क्षेत्रों में जमा होता है जहाँ पर मिट्टी में नमी की मात्रा ज़्यादा है, उसे क्या होता है एक तरह से येलो कलर का ग्रे कलर का एक आकृति बन जाती है जिसको लोयस के नाम से जाना जाता है। ये खास करके हमारे किन जगहों पर लोयस ज़्यादा दिखाई पड़ता है हमें, इट इज़ फाउंड इन द सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में पाया जाता है, ऑल्सो इन नॉर्थ चाइना, चाइना में उत्तरी भाग में, एंड द पम्पास रीजन ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के पम्पास रीजन पाया जाता है, एंड द मिसिसिपी बेसिन ऑफ द यूएसए, यूएसए के मिसिसिपी बेसिन में भी लोयस पाए जाते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं हवा के माध्यम से खास करके जहाँ पर बालू है रेगिस्तानी एरिया में इस तरह की बहुत सारी आकृतियाँ बन जाती है। हम देखा मशरूम क्वार्टर रॉक बन जाता है, बरखान बन जाता है, लोयस बनता है, ये सारी चीज़ें हमें खास करके डेजर्ट एरिया में दिखाई पड़ती हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।